नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 2 के बिग बॉस की आज हम करेंगे बात कि आखिर बिग बॉस में भी तो कुछ कमियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट ही गलत है, बिग बॉस भी तो गलत हो सकते हैं। तो कहां कहां पे बिग बॉस ने गलतियां की है उसी पे चर्चा करते हैं। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 2 जब शुरू हुआ, पहला एपिसोड आया, फिर दूसरा, तीसरा, मतलब एक हफ्ता बीता, दो हफ्ते बीते और दो हफ्ते के बाद की नॉमिनेशन में बिग बॉस की ये आवाज सुनाई दी कि ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो मेरे को हंसी भी आई कि ये जो दो हफ्ते बाद जो साउंड सुनाई दी है, नॉर्मली जो हमने बिग बॉस देखे हैं उसमें मैं जो समझती हूँ कि जैसे ही घर में आते हैं कंटेस्टेंट तो उनको नियम पढ़ाए जाते होंगे कि ये नियम है घर के अंदर आने के लिए, बताए जाते होंगे। बट जब वो घर के अंदर आते हैं, घर के माहौल में ढलना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नियम उनको एक्सेप्ट करने में या उनको अपने यूज टू रूटीन में लाने के लिए टाइम लगता है। तो जो इसीलिए बिग बॉस बार बार उस चीज को बोलते हैं जो कि हमें हर बिग बॉस में दिखाई दिया कि माइक पहन लीजिए या हिंदी में बात कीजिए या मराठी में बात कीजिए या ये नहीं करना या वो नहीं करना, ये सब चीजें बार बार बोल के बताया जाता है। जैसे कुकड़ूकू बजना, कुकड़ूकू भी बजता है। तो ये नियमों के लिए आदत भी डालनी पड़ती है कि ये नियम इस घर के हैं, इनको आपको मानना है। दो हफ्ते तो बंदों ने खूब नियम तोड़े, है ना, उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, बिग बॉस की कोई आवाज नहीं आई, कैप्टन ने कुछ नहीं बोला, सब चल रहा है। दो हफ्ते बाद जब नॉमिनेशन होती है, दूसरी नॉमिनेशन होती है, तो उसमें जब बिग बॉस के मन के हिसाब से नॉमिनेट नहीं होते हैं तब बिग बॉस आवाज उठाते हैं कि आप लोगों ने इतने नियम तोड़े, ये तोड़ा वो तोड़ा, मतलब सब बुरा उनकी क्लास लेते हैं कंटेस्टेंट की, वो बेचारे चुपचाप ऐसे बैठे हैं, हाँ जी सॉरी बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस। तो बिग बॉस ने जब ये बातें बोली तो मुझे सच में हंसी आ रही थी कि ये शायद बिग बॉस के लिए कोई कुकड़ूकू नहीं बना, अगर बना होता तो वो बजता और बिग बॉस तब उठते जब नियम तोड़े जा रहे थे, ना कि वो नियमों की लिस्ट बना के एंड में आके बोलते कि अब ये नियम किसने ज्यादा तोड़े हैं उसको आप लोग नॉमिनेट कर दो। तो ये मुझे थोड़ी सी बात अजीब लगी क्योंकि नियम तो काफी तोड़े गए हैं घर के अंदर। तो सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे जो लगी कि अगर वो नियम तोड़े जा रहे थे या ऐसा हो रहा था तो कहाँ पे थे बिग बॉस, क्या कर रहे थे? तो ये मुझे लगा थोड़ा अजीब। तो आपको क्या लगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा, आपको भी ऐसा लगा कि नहीं लगा या सिर्फ मैं ही ज्यादा सोचती हूँ इसके बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहे हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.